अल्मोड़ा लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा के हाथ मजबूत करने के लिए सूबे के मुखिया पुष्कर धामी अल्मोड़ा पहुंचे। अजय टमटा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सीएम पुष्कर धामी ने अल्मोड़ा के रामजे इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है। उत्तराखंड की जनता 2014 से 19 लोकसभा चुनाव से अधिक अंतर से मोदी को पांचों लोकसभा सीटें जिता रही है। वही सीएम धामी ने विपक्ष को बेहद कमजोर बताते हुए कहा कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। जिस प्रकार का जोश है, लोगों में उत्साह है, उमंग है, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर इस दौरान भी गया हूँ, चुनाव घोषित होने के बाद भी जा रहा हूँ, तो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल कब आएगी और कब इस उत्सव को मनाएंगे। और यहाँ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हो, इसके साथ हमारी चारों पांचों लोकसभाएं भारी मतों से इस बार जीतेंगे। 2014 से भी ज़्यादा, 2019 से भी ज़्यादा एक इतिहास उत्तराखंड बनाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विशेष लगाव है, और ये उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनने का चुनाव है, इसलिए उत्तराखंड के लोग अपना पूरा दायित्व अपने परिवार की तरह समझते हुए, जिस प्रकार से मोदी जी उत्तराखंड को परिवार मानते हैं, जिस प्रकार से उनके हृदय में उत्तराखंड रहता है, तो बड़ा मार्जिन इस बार यहाँ से होगा। आज हमारा पहला जो नामांकन है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा का हो गया है। हमारे प्रत्याशी भाई अजय टमटा जी, इनको यहाँ की जनता ने देखा भी है, लगातार काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, और इनको भी अपना आशीर्वाद देंगे, बड़े मतों से इनको जिताएंगे। और ये भी एक हमारे यहाँ से एक कमल, यहाँ से हम जो है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोग सर्वाधिक मत देकर ऐतिहासिक विजय इस बार इनकी करेंगे।